नमस्कार, बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। मैं आपको झारखंड की खबरें बताने जा रहा हूं। चंपई सोरेन बीजेपी के हो गए हैं, ये तो अब तय है, और उनके स्वागत के लिए जबरदस्त पंडाल वहां पर बना है, जबरदस्त तैयारियां भी हुई और चंपई सोरेन बीजेपी में औपचारिक तौर पर शामिल हो गए। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि बीजेपी के साथ चंपई सोरेन की सीक्रेट डील क्या हुई, क्योंकि जब चंपई सोरेन के बीजेपी में आने की बात हो रही थी और बाबूलाल मरांडी से सवाल पूछा जा रहा था कि क्या आपको पता है, तो उन्होंने साफ कह दिया था कि उन्हें कुछ पता नहीं है। कहा यह जाता है कि अंदर खाने बाबूलाल मरांडी काफी नाराज थे और अपने पोजीशन को लेकर के सशंकित थे कि आखिरकार चंपई सोरेन एक आदिवासी नेता के तौर पर जब बीजेपी में शामिल होंगे तो उन्हें क्या कुछ पद से नवाजा जाएगा, क्या आने वाला चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, आखिरकार क्या होगा। लेकिन हम आपको बता दें कि बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने चंपई सोरेन से ऐसी कोई डील नहीं की है। इसलिए जब बाबूलाल मरांडी दिल्ली पहुंचे और अर्जुन मुंडा ने भी ये बात जानना चाहा, तो दोनों नेताओं को बहुत भली भांति समझा दिया गया है कि चंपई सोरेन किस भूमिका में होंगे। तो हम वो पूरी कहानी आपको बताएंगे कि दरअसल बीजेपी और चंपई सोरेन के बीच में क्या डील हुई है और कैसे बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा चंपई सोरेन को वेलकम करने के लिए तैयार हो गए। तो इस कहानी को हम पूरे तरीके से आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन आइए पहले आपको सुनाते हैं कि चंपई सोरेन को लेकर के पक्ष और विपक्ष दोनों दल के नेता क्या कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। आइए पहले वो सुनते हैं, उसके बाद हम शुरू करेंगे चर्चा। भारतीय जनता पार्टी के लिए और झारखंड को बचाने के लिए एक असेट है चंपई जी, एक ऐसा नेता जो जीवन भर झारखंड के लिए लड़ा, एक ऐसा नेता जिसने समर्पित भाव से जनता की सेवा की, एक ऐसा नेता जिसने मुख्यमंत्री बनकर झारखंड को सही लाइन पर लाने का प्रयत्न किया और लूट खसूट बंद करने का प्रयास किया। उसी का परिणाम था कि उनकी जासूसी शुरू हो गई, उनके पीछे एक परिवार पड़ गया जो केवल परिवार की सत्ता चाहता है और उनको अपमानित करने का प्रयत्न किया, उनको नियुक्ति पत्र नहीं बांटने दिए, उनको उनकी मुख्यमंत्री की बिना सहमति के, उनकी बिना जानकारी के विधायक दल की बैठक बुला ली गई। ऐसा अपमान वो केवल चंपई जी का अपमान नहीं है, पूरे झारखंड का अपमान हुआ है। और आज उन्होंने तय किया कि झारखंड को बचाने के लिए वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे, उनका स्वागत है। उनके आने से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ ताकत और ऊर्जा मिलेगी और चंपई सोरेन जी का भारतीय जनता पार्टी में आना एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा। आज तो शपथ ग्रहण लिया हूँ, एक दो दिन में पूरा समीक्षा बैठक करूंगा और उसके बाद कम समय में जितना ज्यादा से ज्यादा इस राज का विकास मैंने काज करने का हमारा योजना है, उस काम को हम करूँ, कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम करूंगा। चलो चलो, सीएम साहब का गाड़ी पीछे। गजब संयोग है, आज चंपई सोरेन बीजेपी में आए तो उधर चंपई सोरेन के बीजेपी में आने से पहले ही रामदास सोरेन को मंत्री बना दिया गया। दोनों कोल्हान के ही नेता हैं, तो चंपई सोरेन की काट के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो हेमंत सोरेन ने रामदास सोरेन को मंत्री बना करके उनको पुरस्कृत कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी और चंपई सोरेन के बीच में सीक्रेट डील क्या हुई है, चंपई सोरेन को टास्क क्या दिया गया, चंपई सोरेन बीजेपी में आकर के करेंगे क्या, और कैसे बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा को समझाया गया कि आप चंपई सोरेन के आने से बिल्कुल असहज मत होइए, आप असहज होंगे तो ये पार्टी के लिए ठीक नहीं होगा, पार्टी को जिताना बहुत जरूरी है। और इन दोनों नेताओं को आश्वस्त किया गया कि चंपई सोरेन के नेतृत्व में पार्टी कोई चुनावी मैदान में उतरने नहीं जा रही है। तो बीजेपी और चंपई सोरेन के बीच में क्या बातचीत हुई, यह हम आपको बताने जा रहे हैं।
दरअसल वो क्या सीक्रेट डील हुई, उसके बाद चंपई सोरेन बीजेपी में आने को तैयार हो गए और फिर ये कहा गया कि बाजे गाजे के साथ आपको बीजेपी में शामिल कराया जाएगा और आपको बड़े नेता के तौर पर बीजेपी में जगह दी जाएगी, लेकिन आपके हाथ में एक टास्क होगा और उस टास्क को आपको पूरा करना होगा। वो सारी बातें हम आपसे बताने जा रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुछ मेहमान जिनसे हम आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रोफेसर सुधांशु कुमार, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ मनीष कुमार पांडे बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है। और हम जेएमएम नेता का भी इंतजार कर रहे हैं, वो भी हमारे साथ जल्द ही जुड़ेंगे, उनका भी स्वागत है। डॉक्टर संजय कुमार, मैं आपके पास सीधा आना चाहूँगा। मेरे पास ये जानकारी है कि बाबूलाल मरांडी को नाराजगी थी, अर्जुन मुंडा भी असहज थे, शीर्ष नेतृत्व ने इनको बुला करके कह दिया कि चंपई सोरेन के नेतृत्व में हम लोग कोई चुनाव लड़ने नहीं जा रहे हैं, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। लेकिन आदिवासियों के बीच में कितनी पकड़ और सेंधमारी आप सब लोग कर सकते हैं, इसकी जरूरत है। और एक टारगेट फिक्स किया गया कि अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा को 10 सीटों का भी नुकसान दे दिया गया तो पार्टी जीत जाएगी, पार्टी में जीतते हैं। और ये जो कहा जा रहा था कि कोल्हान तक ही ये सीमित रहेंगे, ऐसा है नहीं, ये रहने वाले तो संथाल परगना के, और संथाल परगना को लेकर के बीजेपी ने एक रणनीति बनाई जो मैं अपने दर्शकों के साथ साझा कर रहा हूं। दरअसल आपको ध्यान होगा कि चंपई सोरेन भी अपने ट्वीट में कह रहे थे कि संथाल परगना की डेमोग्राफी चेंज हो रही है, किस तरीके से मुस्लिम आबादी वहां आ रही है और वहां आदिवासियों की संख्या कम हो रही है, और इसकी चिंता मुझे बहुत है। और अगर एक किसी नेशनल पार्टी को या किसी सियासी दल को चिंता है तो वो बीजेपी को है। तो आप क्या ये देख पा रहे हैं, क्योंकि मेरे पास ये जानकारी है कि इनको संथाल परगना भेजा जाएगा, इस मुद्दे को बड़ा किया जाएगा और इस मुद्दे के आड़ में आदिवासियों को एकजुट किया जाएगा और इस मुद्दे को आगे बढ़ाने में बीजेपी इनके पीछे खड़ी रहेगी और ये बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है संथाल परगना में, क्या कहते हैं आप? नहीं नहीं, ये बात में तो दम है कि ये रहने वाले संथाल के, राजनीतिक जमीन इनकी रही है कोल्हान, सरायकेला से ये जीतते रहे हैं। और इस सच्चाई को तो स्वीकार करना ही होगा ना कि 28 ट्राइबल सीटें हैं वहां। अगर 81 विधानसभा का एक झारखंड विधानसभा का स्वरूप है, एक तो नॉमिनेटेड होते हैं, तो 81 में 28 ट्राइबल सीटें और 9 शेड्यूल कास्ट की सीटें, तो 28 और 9 जोड़ लीजिए 37, 28 में 26 सीटें ये जीत जाते हैं, 2 सीट मात्र बीजेपी जीत पाती है। तो बीजेपी के लिए तो एक चुनौती है ही कि जब तक ट्राइबल सीटों पर आपका कोई पेनिट्रेशन नहीं होगा, उनको हराने में आप कामयाब नहीं होंगे, तब तक आपके सरकार बनने की संभावना कम है। रह गई बात कि इनको कोल्हान में रखें, संथाल भेजें, पलामू में भी शेड्यूल ट्राइब्स की 1-2 सीटें हैं वहां दें टास्क, लेकिन सोरेन एक स्थापित नेता तो है, सोरेन की एक जमीनी पकड़ तो है। और इस बात को भी स्वीकार करना होगा कि अगर 7 बार से लगातार कोई एमएलए है, लगातार कहा जाता है कि शिबू सोरेन के बाद झारखंड में अगर कोई दूसरे जगह पर एक सम्मान के तौर पर किसी नेता का नाम लिया जाता है तो वो चंपई सोरेन का नाम लिया जाता है। बीजेपी के पास है, अर्जुन मुंडा भी कोल्हान से ही है, रघुवर दास भी कोल्हान से ही है, लेकिन अर्जुन मुंडा राष्ट्रीय फलक पर चले गए और कोल्हान में कितनी सीटें दिला पाए अर्जुन मुंडा सबके सामने है। बाबूलाल मरांडी वहां के तो मुख्यमंत्री रहे हैं पूर्व, और उसके बाद भी ट्राइबल सीटों में बहुत से नमारी नहीं कर सके। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक रणनीति के तहत चंपई सोरेन जी को अपनी पार्टी में जोड़ा है, कुछ देर में ये शामिल भी हो जाएंगे। और उसके पीछे कारण है कि जो आदिवासियों की जो कई 11-12
जो आदिवासियों का अलग अलग ग्रुप है, उसमें सोरेन भी है, मरांडी भी है, मुंडा भी है, हो भी है, पहाड़िया भी है। तो सोरेन जनजाति जो है, जो आदिवासी का ही एक पार्ट है, वो सोरेन का एक अपना प्रभाव है, एक अपनी पकड़ है। और सोरेन समुदाय के लोग तो संथाल परगना में ही है अधिकांश, वो आपको दुमका में मिल जाएंगे, वो आपको देवघर में मिल जाएंगे। और बिल्कुल आपने सही कहा कि इस मुद्दे को इन्होंने उठाया है। आज भी मैं देख रहा था कि इन्होंने कहा कि जो आदिवासी हैं, जिनको मूलवासी हम झारखंड के कहते हैं, जल जंगल और जमीन पर जिनकी पकड़ है, कहीं ना कहीं से जो घुसपैठी आ रहे हैं और उनका जो शादी विवाह करके प्रलोभन दे करके, चाहे ईसाई मिशनरियों के द्वारा हो या बांग्लादेश के घुसपैठियों के द्वारा हो, इनको प्रलोभन दे करके जो इनका परिवर्तन किया जा रहा है, वो एक सवाल है, अस्तित्व का सवाल है। और ये जब सेंटिमेंटल तरीके से जब आदिवासी समाज के बीच में ये जाएंगे और अगर उसको रखेंगे कि क्या आप चाहते हैं कि आपकी मौलिकता, आपकी जमीन, आपके लोग कन्वर्ट होके कहीं और चले जाए, इस वजह से कि वो तुष्टिकरण में वोट बैंक का लाभ मिलता है, क्योंकि जेएमएम का क्या रहता है कॉम्बिनेशन कि 26% वोट इनका आदिवासियों का और 14% मुसलमानों का, 40% वोट का एक बड़ा फैक्टर होता है, लेकिन ये समीकरण कभी कभी नहीं भी काम करता है। भाजपा वहीं पर दाव लगा रही है कि बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा को हमने लगाया, जिम्मेवारी दी, कुछ कर नहीं पाए। तो सोरेन को कहा कि भाई आने तो दीजिए, ठीक है, हम उनके नेतृत्व में नहीं लड़ेंगे, भाजपा अपने ही विचारधारा, अपने ही सिद्धांत पर लड़ेगी, लेकिन अगर वो आ करके और हमारी जमीन को मजबूत करते हैं, 2, 4, 5, 7 विधायक भी जिता पाते हैं उन क्षेत्रों से, वो जो ट्राइबल सीटें जो रिजर्व है उनके लिए, चाहे वो संथाल का क्षेत्र हो, चाहे कोल्हान का क्षेत्र हो, चाहे पलामू का क्षेत्र हो, चाहे छोटा नागपुर का क्षेत्र हो, तो शायद ये एक बड़ी सफलता होगी। देखते हैं कहां तक ये सुरेंद्र साहब इनकी मदद कर पाते हैं। बड़ी सफलता होगी। देखिए प्रोफेसर सुधांशु कुमार, मैं आपको ये बताऊं कि बीजेपी इसको भी बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है कि किस तरीके से एक आदिवासी नेता को एक परिवारवादी पार्टी के द्वारा बेइज्जत किया गया। और दरअसल ये बात चंपई सोरेन सिर्फ कोल्हान में ही नहीं, संथाल परगना में भी बताएंगे। संथाल परगना में जो डेमोग्राफी चेंज हुआ है उसको तो मुद्दा बनाएंगे ही बनाएंगे, साथ ही साथ उन्हें किस तरीके से इंसल्ट किया गया उसको भी बताएंगे। वो बताएंगे कि 4 दशक से जिस पार्टी को उन्होंने अपने खून और पसीने से सींचा, उस पार्टी में उन्हें 3 दिन पहले ही किसी कार्यक्रम को इनॉग्रेट करने से भी रोक दिया गया, उस कार्यक्रम में जाने से भी रोक दिया गया, मीटिंग बुलाई गई उसकी कोई जानकारी नहीं थी, और उनकी जिस तरीके से बेइज्जती हुई इसको भी बीजेपी भुनाने के लिए पुरजोर तरीके से तैयार है। और इसलिए आप देख रहे हैं कि पहले लग रहा था कि अलग लड़ेंगे, लेकिन अब बीजेपी में उनको शामिल करा लिया गया है। शामिल कराने खुद शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं, बीजेपी के तमाम बड़े नेता हैं, अब बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा भी मान गए हैं। तो सवाल बस इतना है कि किस तरीके से आदिवासी क्षेत्रों में झारखंड मुक्ति मोर्चा को कितना डेंट पहुँचाना है। वजह यह है कि लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा होगा कि आदिवासी क्षेत्रों में बीजेपी विजय नहीं हो पाई। सीता सोरेन भी आई, दुर्गा सोरेन की पत्नी, कुछ खास नहीं कर पाई। जहां तक सवाल है, दोनों नेता अर्जुन मुंडा चुनाव हार गए, बाबूलाल मरांडी 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद पहला चुनाव फेस कर रहे थे, झारखंड से जो उम्मीद थी वो पूरी होती नहीं दिखी है। और अभी तक जो ट्रेंड है वो ये बता रहा है कि आदिवासियों के बीच बीजेपी पैठ बनाने में कामयाब नहीं हो पाई है, इसलिए चंपे सोरेन को आगे किया जा रहा है। चंपे सोरेन नए मोहरे के तरह प्रयोग में लाए जाएंगे। क्या आपको लगता है कि बीजेपी का यह प्रयोग झारखंड में सफल होने जा रहा है? देखिए, एक तो क्या है, कोशिश तो अच्छी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और चूंकि चंपई सोरेन जी का एक अपना पुराना एक अच्छा इतिहास है और उनका सम्मान है वहां पर झारखंड में, लेकिन मुझे तो एक चीज और दिख रही है इसमें कि एक तो जो
कॉम्बिनेशन तोड़ने की जो बात है, आदिवासी और मुसलमानों का जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है और जिसकी वजह से ये सरकार अभी बनी है और चल रही है, आप शिवराज सिंह चौहान का बयान अभी आपने दिखाया, और ये खाली शिवराज सिंह चौहान जी का बयान नहीं है, ये चंपई सोरेन जी भी जब तक मंत्री थे तब तक पता नहीं उनको क्यों ये ध्यान में नहीं आया कि वहां घुसपैठिए आ रहे हैं, 7 बार से विधायक हैं तब उनको संथाल परगना में घुसपैठिए का ध्यान नहीं आया, लेकिन अब उनको आ रहा है। इसका मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं वो पूरा एक तय कर लिया गया है कि जो ये इनको लाने के बाद इनका बीजेपी क्या इस्तेमाल करने वाली है और इनसे क्या बुलवाएगी, किस तरीके से इनको जो है चुनाव में इनका इस्तेमाल होगा, वो लगभग दिशा एक तरह से मिलने लग गई है शिवराज सिंह चौहान जी के बयान से, चंपई सोरेन जी के पुत्र के बयान से। और चंपई सोरेन जी भी जब आ रहे हैं तो उनके पास देखिए कहने के लिए एकमात्र चीज है, मतलब आप क्यों बीजेपी में आ रहे हैं अगर इनसे कोई पूछ रहा है तो उनके पास एकमात्र है कि भाई मेरा अपमान किया गया। तो अपमान और घुसपैठ ये दो मुद्दे लेकर बीजेपी चंपई सोरेन जी को, देखिए बीजेपी अगर ये बातें कहती तो शायद ये कह रही है, बीजेपी पहले से कह रही है, बीजेपी के लिए कोई नया नहीं था, उनके कहने का उतना इम्पैक्ट, जो इम्पैक्ट होना है जमीन के ऊपर वो हो रहा होगा, उसके हिसाब से रिजल्ट रहते हैं। अब एक व्यक्ति जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक बड़ा सिपाही था, झारखंड मुक्ति मोर्चा में सबसे सम्मानित, शिव सोरेन के बाद सबसे सम्मानित लीडर है, वो आकर अगर कोई आरोप लगाएगा तो उनको ऐसा, बीजेपी को ऐसा लगता है कि भाई शायद उसका एक इम्पैक्ट जाए, और खास करके उन क्षेत्रों में जहां पर चंपई सोरेन जी का जो 14 विधानसभा का जो बोर्ड कहा जाता है कोल्हन, कि वहां पर कुछ प्रवेश कर पाए बीजेपी और उनको एटलीस्ट। और ये देखिए ऐसा नहीं है कि चंपई सोरेन आए हैं, मुझे एक चीज का अगर ये रहता जो शुरुआती दौर में जो पिछली बार हम लोग डिबेट कर रहे थे तब ये सूचना थी कि 6 विधायक को लेकर ये आ रहे, वो पता नहीं कैसे अभी, और चूंकि अभी के समय में अगर विधायक नहीं आए हैं तो ये थोड़ा सा एक चौंकाने वाली बात है, अगर इनके साथ विधायक कोई नहीं आए, एक जो जिनको पहले से सस्पेंड कर दिया गया था वो आए हैं तो उनका उतना महत्व नहीं, इनको तो पहले से सस्पेंडेड है, लेकिन अगर जो इनके साथ आने वाले थे तब शायद ज्यादा और बड़ा मैसेज हो पाता कि भाई 6 विधायक तोड़कर लेकर आए हैं, भले ही सरकार नहीं गिरती चूंकि उनके पास उसके बावजूद कम होता, लेकिन मैसेज बहुत शानदार जाता। अब चूंकि अकेले आए हैं और जो उनका प्रभाव क्षेत्र है बीजेपी अगर उसको सही से इस्तेमाल कर पाएगी कुछ डेंट कर, क्योंकि बहुत ज्यादा देखिए वहां मार्जिन होता नहीं है, सबसे बड़ी बात क्या है कि जो छोटे राज्य हैं जहां पर विधानसभा की संख्या कम होती है उन राज्यों के अंदर आप 2-4-5 सीटों के ऊपर नीचे से भी सरकार इधर से उधर होते रहे, तो शायद बीजेपी को ये लग रहा है कि भाई हम बहुत दूर तो थे नहीं, 26-27 सीट तक हम लोग बीजेपी 26-27 सीट तक पहुंची हुई थी, तो वहां से हमको आगे बहुमत की तरफ बढ़ना है, और अगर आपने एक बड़ा नेता तोड़ दिया और उसने 4-5-6 सीटों का भी टेंट पहुंचा दिया तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और एक के परसेप्शन की भी लड़ाई हो, परसेप्शन की लड़ाई में एक लीड की तरह बीजेपी इसको प्रस्तुत करेगी और ये दिखाएगी, क्योंकि आदिवासियों के बीच आकर अगर ये कहा जाए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो चीफ है हेमंत सोरेन वो जो है आदिवासियों का भी सम्मान नहीं करते हैं, वो इतने बड़े लीडर का उन्होंने अपमान किया, तो ये चीज रहेगी। लेकिन एक चीज मैं जो अंतिम इसमें कहना चाह रहा हूँ, देखिए चूंकि हेमंत सोरेन जी जेल गए हैं और जेल से बाहर आए तो एक नैरेटिव जो काउंटर नैरेटिव होगा बीजेपी के द्वारा चलाए गए नैरेटिव, खास करके जो अपमान हुआ है उसको लेकर, कि जब पार्टी के अंदर परेशानी थी तो हेमंत सोरेन ने सबसे ज्यादा अगर आप किसी पर विश्वास जताया तो वो थे चंपई सोरेन, क्योंकि दूसरा ये जो नहीं, वो देखिए वो सारी बातें ठीक है, लेकिन एक चर्चा बहुत उठती है, चर्चा ये उठती है कि आज तक जो जेएमएम से बीजेपी में गए उनकी दशा क्या हुई, उनकी स्थिति क्या हुई। हमारे साथ मनीष पांडे भी जुड़े हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। बड़ा सीधा सा सवाल है, आपने कई नेताओं को इम्पोर्ट किया लेकिन बहुत सफल नहीं हो पाया, हाल का उदाहरण है सीता सोरेन, सीता सोरेन वो सीट भी नहीं जीत पाई जो आपकी सीट थी, तो आपको लगता है कि चंपई सोरेन जेएमएम को छोड़ करके बीजेपी में आ जाएंगे और आप जिस मकसद से उनको लेकर के आए झारखंड में आप चुनाव जीत लीजिएगा, क्या ये संभव है क्या? क्योंकि कई नेताओं का उदाहरण दिया जाता है जो कि कहीं के नहीं रहे, वो कहते हैं ना घर के रहे ना घाट के रहे, तो ऐसा क्या दिख रहा है चंपई सोरेन में? क्योंकि जेएमएम भी तो कहेगी कि अरे हमने सबसे ज्यादा विश्वास उन पर किया, उनको मुख्यमंत्री बनाया, हम जब जेल जा रहे थे तो उन्हें ही अब कुर्सी सौंपी और जब हम लौट करके आए तो हमको तो सीएम बनना था, क्योंकि 2019 में
जनता ने मेरे ही नेतृत्व में वोट दिया था और मेरे ही नेतृत्व पर भरोसा जताया था, इसलिए चंपई सोरेन को आदिवासी जनता क्यों पसंद करेगी? क्योंकि इस बार लड़ाई तो होगी, उसमें ये होगी कि हेमंत सोरेन आदिवासियों के बड़े नेता हैं या चंपई सोरेन आदिवासियों के बड़े नेता हैं। मनीष पांडे जी, देखिए पंकज जी, चीजें यह है कि हमेशा भाजपा से ही सवाल पूछे जाते हैं, भाजपा को ही हमेशा कटघरे में खड़ा किया जाता है कि आप नेताओं को ले रहे हैं, आप पार्टी तोड़वा रहे हैं, आप सरकार गिरवा रहे हैं, आप घर में फूट डलवा रहे हैं। जबकि सच्चाई यह है कि ये सारे अपने मतभेदों के कारण, अपने अति महत्वाकांक्षा के कारण, अपने परिवार और भ्रष्टाचार के कारण इनके सामने ये समस्याएं पैदा होती। अब अभी जिस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, अगर झारखंड की बात करें और झारखंड की राजनीति की बात करें, तो शुरू दिनों से हेमंत सोरेन अपने कारनामों के कारण ही बार बार फंसते रहे। जिस प्रकार से घोटाले के आरोप लगे, जिस प्रकार से उनके ऊपर चार्जेस लगे, वो जेल गए, तो ये सारा विषय जो रहा, ये अब भाजपा ने तो नहीं कहा था हेमंत सोरेन को कि आप जो है जमीन का गड़बड़ कीजिए, भाजपा ने तो नहीं कहा था कि चंपई सोरेन को ही मुख्यमंत्री बना दीजिए, कल दिन वो हमारे पाले में आ जाएंगे, भाजपा ने तो नहीं कहा था कि उनको बेइज्जत करके मुख्यमंत्री पद से हटा दीजिए और उनके सारे कार्यक्रम जो है वो स्थगित करवा दीजिए। देखिए ये सारा विषय झारखंड जेएमएम के अंदर का विषय है और वो जो सारे मतभेद रहे हैं वो मतभेद चंपई सोरेन के हेमंत सोरेन के साथ रहे, वहां तक भाजपा की कोई भूमिका नहीं है। अब रही बात राजनीति की, बात राजनीति करने की बात है, सत्ता की बात है, ये सारी बातें जो जिस पर कि हम सभी चर्चा कर रहे हैं आज की तारीख में, वहां से भाजपा की भूमिका शुरू होती है। अब अगर चंपई सोरेन, जिसको कि आज की तारीख में जेएमएम के नेता भी कहते हैं कि वो बड़े सीधे सरल स्वभाव के रहे हैं, आंदोलनकारी रहे हैं, शिबू सोरेन के बाद सबसे बड़ा उन्हीं का योगदान रहा है, वो उनके व्यक्तित्व के बराबर झारखंड में कोई दूसरा व्यक्तित्व नहीं है, इस प्रकार की बातें जेएमएम के लोग आज भी करते हैं, तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा राजनीतिक चरित्र का व्यक्ति अगर आज किसी वजह से अपने घर से नाराज हो गया, अपनी पार्टी से नाराज हो गया और वह पहली पसंद अगर भारतीय जनता पार्टी को मानकर चल रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी क्यों उससे दूरी बनाएगी, यह बताइए। तो भाजपा ने उसको अपने गले लिया है, आपने सीता सोरेन का नाम लिया, ठीक है चुनाव में वो असफल रही, ये अलग विषय है, लेकिन उनकी भी लड़ाई उसी परिवारवाद से लड़ी रही है, क्योंकि उस परिवार में जो दुर्गा सोरेन, जो मुख्य रूप से शिबू सोरेन के उत्तराधिकारी थे, किसी कारणवश दिवंगत हो गए, उनकी धर्मपत्नी थी और सक्रिय राजनीति में थी। हेमंत सोरेन के राजनीति आने के बाद उस परिवार में जो घटनाएं दुर्घटनाएं घटी, उनको भाजपा का रास्ता अच्छा लगा, तो वो आ गई भाजपा के रास्ते में। अब वो चुनाव नहीं जीती है दूसरा विषय, इस विषय पर मैं अभी कुछ बात नहीं करूंगा। जहां तक चंपई सोरेन के शामिल होने की बात है, देखिये चंपई सोरेन का व्यक्तित्व रहा है, चंपई सोरेन एक बड़े नेता रहे हैं, चंपई सोरेन अपने विवादों के कारण जब उनकी पहली पसंद भाजपा बनी तो भाजपा ने अपना हाथ बढ़ाया। अब रही बात ये कि नैरेटिव्स की बात है, जैसे डेमोग्राफी चेंज होने की बात आप कह रहे हैं, तो देखिए एक बात मैं आपको बताऊं पंकज जी, सत्ता में रहते हुए भी, मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए भी कुछ ऐसी योजनाएं चंपई सोरेन ने शुरू की जो बड़ी लोकप्रिय हो रही थी, बहुत लोकप्रिय हो रही थी। कई ऐसे मुद्दे थे जैसे कि जनधन खातों की बात आई थी, या माई बहन योजना, जिसको मैया योजना बाद में इन्होंने 1000 रुपया वाला जो, जब वो योजना बड़ा लोकप्रिय होने लगा, पॉपुलर होने लगा, तीन के हटने के बाद हेमंत सोरेन ने उसको मैया योजना घोषित कर दिया और आज उसकी रोटी सेक रहे हैं या खेल रहे हैं। तो अपने अल्पकाल में चंपई सोरेन ने जिस प्रकार से झारखंड का नेतृत्व किया, जिस प्रकार से झारखंड में अपना एक अपनी लोकप्रियता हासिल की, वो एक बड़ा कारण रहा उनको पद से हटाने का। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि बीजेपी के अंदर आप देखेंगे, अगर पहले मुख्यमंत्री के रूप में बाबूलाल मरांडी जी रहे हैं, उनका कार्यकाल सब लोगों को पता है कि झारखंड कैसे डेवलप हुआ था, अर्जुन मुंडा रहे, हम सभी लोगों ने देखा भी पिछले चुनाव में हमारे जो अभी राज्यपाल बनाए गए हैं, ऐसे मुख्यमंत्री, तीन तीन मुख्यमंत्री हमारे, तो हमारे यहाँ नेताओं की कमी नहीं है।
झारखंड की जनता भी उन्हें नेता मानती है, उनका जन समर्थन रहा है और ये सारे जमीन ठीक है। एक चुनाव नहीं, में जो आपके यहाँ नेताओं की कमी नहीं है, लेकिन आप नेता इंपोर्ट करने में तो बहुत भरोसा करते हैं। आपने महाराष्ट्र में भी आपने अजीत पवार को अपने साथ लिया, उनका नाम लेंगे। जी हाँ, अजीत पवार आपके साथ आए, कोई फायदा नहीं हो पाया। आप तो इस मंशा से लाए थे कि शरद पवार खत्म हो जाएंगे, लेकिन यहाँ तो अजीत पवार ही खत्म होते दिख रहे हैं। आप एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र में लाए, और देवेंद्र फडणवीस जो कि 5 साल मुख्यमंत्री रह चुके थे, सत्ता की लालच में आपने उनको डिप्टी सीएम तक बना दिया, लेकिन उसका भी फायदा नहीं हुआ। सवाल मैं ये पूछना चाहता हूं मनीष पांडे जी कि सर्जिकल स्ट्राइक करें या एरियल स्ट्राइक करें किसी दल पर, मैं वो बात नहीं कर रहा हूं जो पाकिस्तान में बीजेपी ने किया या सरकार ने किया, लेकिन किसी दल पर आप किसी तरह का स्ट्राइक करें। नेता तो आ जाते हैं पर जनता नहीं आ पा रहा। आपका ये जो चाल है या ये जो रणनीति है वो कई राज्यों में फेल साबित हुई, इस बात को समझिए। मुझे मुझे 30-40 सेकंड बोलने दीजिएगा उसका जरूर जी। देखिए, भारत की राजनीति में संजय जी आप अपने आपने दो विश्लेषक बिठा रखे हैं, एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय है। देखिये, देश की राजनीति में दो विषय तो चल रहे हैं ना। अब जैसे डेमोग्राफी चेंज करने की बात आई, तो डेमोग्राफी चेंज करने की बात कोई चंपाई सोरेन से शुरू नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने जो घुसपैठ की समस्या है उस पर बहुत पहले से हम बोल रहे हैं। आज चंपाई सोरेन अगर कह रहे हैं तो उस पर आज नैरेटिव्स बनाए जा रहे हैं, ये अलग विषय है। देखिए, देश में जो एक राष्ट्रवाद की राजनीति और दूसरी राजनीति आप कह लें भाजपा के समर्थन और भाजपा के विरोध की राजनीति चलती रही है। अब आपने शिंदे की बात कही या पवार की बात कही, भाई उनके घरों में फूट डालने तो हम नहीं गए थे ना। अब वो जब अलग हुए तो उन्होंने हाथ बढ़ाया तो हमने भी हाथ बढ़ाया। अब उसको आप इस तरीके से जोड़ के देख रहे हैं कि वो सारी प्रकट्ठा सारा स्ट्राइक जो है वो भाजपा ने किया, घर में घुसकर किया। नहीं नहीं, और हम वो बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। हम केवल आपको याद दिला रहे हैं कि आप सीता सोरेन को लाए हार गए, वो आपकी पक्की सीट थी। मेरे लिए नहीं है। वो पक्की सीट थी आपकी। हारना और जीतना हमारे वो, लिए वो, नहीं वो है। आपकी पक्की सीट थी। अजीत पवार को लाए, महाराष्ट्र में बुरी तरह मुंह की खाए, नेता आ गए, जनता नहीं आई आपके साथ। मेरे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ गए हैं, वहां की ताजा स्थिति बताएंगे। अशोक, आप ये बताइए कि लोग क्या कह रहे हैं, चंपा सोरेन के आने से बीजेपी मजबूत होगी या जैसे सीता सोरेन को लड़ाया हार गई सीता सोरेन, कोई फायदा नहीं हुआ, और भी कुछ नेता को ये अलग अलग राज्य में लाए हैं, कोई फायदा नहीं हुआ है, तो क्या चंपा सोरेन के आने से बीजेपी में उम्मीद जगी है? क्या सवाल ये उठ रहा है, क्या चंपा सोरेन कोल्हान, और क्योंकि मेरे पास कुछ जानकारी है जो मैं आपके साथ साझा कर दूं, और एक तो ये कि चंपा सोरेन का ज्यादा फोकस संथाल परगना में होगा जहां की मुस्लिम आबादी बढ़ी है, डेमोग्राफी चेंज हुआ है, और चंपा सोरेन अपने ट्वीट के जरिए ये मुद्दा भी बना रहे हैं। दूसरा मेरे पास जानकारी है कि चंपा सोरेन पोटका से चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनके बेटे बाबूलाल सोरेन चुनाव लड़ेंगे, और अगर 10 सीट भी चंपा सोरेन की वजह से जीत होती है तो उनको पुरस्कृत किया जा सकता है। वो डिप्टी सीएम के रूप में हो सकते हैं, केंद्र में मंत्री के रूप में हो सकते हैं, क्योंकि बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, सरीखे नेताओं ने जब आपत्ति जताई तो इन लोगों को कह दिया गया कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उन्हें सीएम बनाया जा रहा है या उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। अब मैं आपसे यह सवाल पूछूंगा कि बीजेपी के अंदर फीलिंग क्या है और झारखंड मुक्ति मोर्चा क्या कह रही है? झारखंड मुक्ति मोर्चा क्या मान रही है कि उसका बड़ा नुकसान हुआ है क्योंकि 40 साल का वफादार सिपाही छोड़ करके दुश्मन के घर में चला गया, विपक्षी पार्टियों के घर में चला गया? क्या कह रहे हैं जेएमएम के लोग, क्या कह रहे हैं बीजेपी के लोग? अगर जेएमएम की बात करें या उसके सहयोगी दल कांग्रेस की बात करें, दोनों दलों के नेताओं ने आज भी, जब हमारी बात राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री
डॉक्टर इरफान अंसारी से या अन्य जो मंत्री हैं उनसे जब बात हुई तो सबने एक स्वर में कहा कि चंपई सोरेन का कोल्हान में प्रभाव तब तक ही था, और वो कोल्हान टाइगर इसीलिए कहे जाते हैं क्योंकि कोल्हान में वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ थे, यानी तीर धनुष से लेकर वो आंदोलन कर रहे थे, शिबू सोरेन के सहयोगी के रूप में वहां जब तक काम कर रहे थे तब तक उनका कुंबा मजबूत था। और दूसरी बात जो उन लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि पिछले बार के चुनाव की बात करें जिस तरीके से भाजपा का सफाया हुआ था और वो अब भाजपा में जा रहे हैं, यानी वहां जो लोग वोटर्स हैं और खास करके जो आदिवासी वोटर्स हैं उन्होंने एंटी बीजेपी वोट दिया था, और कहीं ना कहीं उस वक्त चंपई सोरेन जेएमएम में थे और जेएमएम पे जिन नेताओं की जीत हुई है उन्हें एंटी बीजेपी वोट मिला है, यानी वहां पर बीजेपी के खिलाफ वोट हुआ है और अब वो बीजेपी में जा रहे हैं। तो सवाल अब ये भी उठ रहा है कि उनकी जो राजनीतिक हैसियत है उस पर क्या होगा, वो तो खैर अगले जो चुनाव होगा अगले एक दो महीने में वो स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन बता दें कि कोल्हान में बीजेपी काफी उत्साहित है, जिस प्रकार से पिछले बार उनका सफाया हो गया था उन्हें लग रहा है कि कोल्हान टाइगर चंपई सोरेन के आने से एक संजीवनी मिल गई है और कहीं ना कहीं ये अपने कुंबे को वहां मजबूत कर लेंगे। लेकिन बता दें कि पिछले बार की बात करें तो वहां पे कोल्हान में बीजेपी के पास कई कदावर नेता हैं, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री या पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की बात करें, मधु कोड़ा की बात करें, तमाम ऐसे नेता तो वहां पर थे लेकिन उन्हें चुनाव में उस प्रकार का परिणाम नहीं मिला। या पिछले बार बात करें तो रघुवर दास भी थे जो खुद अपनी सीट भी नहीं बचा पाए। इस बार कहीं ना कहीं बीजेपी को यह लग रहा है कि जब कोल्हान में चंपई सोरेन आ रहे हैं और चंपई सोरेन का ऐसा माना जाता है कि कोल्हान के 14 में से 10 ऐसे सीट है जहां पर उनका काफी प्रभाव है, तो बीजेपी को एक तरह से लग रहा है कि वो 10 सीटें जो है उसमें से अधिक सीट यानी आधा दर्जन से ज्यादा सीट इस बार के चुनाव में बीजेपी के पाले में जाएगी, इसलिए बीजेपी उत्साहित है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से ये कहा जा रहा है कि चंपई सोरेन खुद अपनी सीट बचा ले क्योंकि वहां पर बीजेपी के खिलाफ लोगों ने वोट दिया था, बीजेपी के खिलाफ वहां पर उनकी नीतियों के खिलाफ आदिवासी समाज है, अल्पसंख्यक समाज है या संथाली जो जनजाति है वो है, तो चंपई सोरेन के बीजेपी में जाने से झारखंड मुक्ति मोर्चा को कहीं नुकसान नहीं हो रहा है, नुकसान केवल होने जा रहा है तो चंपई सोरेन का, उनके बेटे बाबूलाल सोरेन का और तमाम ऐसे समर्थकों को निराशा हाथ लगेगी जो चंपई सोरेन के बहाने ये सोच रहे हैं कि बीजेपी में जाकर वो अपनी नैया पार लगा लेंगे। लेकिन अगले जो दो महीने का जो ये समय होगा जिसमें विधानसभा चुनाव होगा उस वक्त काफी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन बीजेपी में देखिए एक दल ऐसा है जो काफी खुश है लेकिन कुछ ऐसे नेता भी हैं जो अंदर खाने की जो खबर है ये माना जा रहा है कि चंपई सोरेन से आने से उन्हें कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी है बात से कि जब चुनाव आएंगे जब परिणाम आएंगे तो उन्हें क्या मिला वहां पर, उन्हें आखिर मिलेगा कहीं उनकी कुर्सी तो नहीं जाएगी, तो कई नेताओं से लेकर इनसिक्योरिटी भी है। लेकिन एक तरह से बीजेपी में उत्साह भी है कि कोल्हान में पूरी तरह से बीजेपी का सफाया हो गया था, वहां पर अगर चंपई अपना कारनामा दिखाते हैं और अपना चलिए ठीक है ठीक है ठीक है देखिए देखिए हाँ नहीं नहीं आपने ये बात कह दी पर मैं डॉक्टर संजय आपसे ये कहूंगा कि मेरे पास जो जानकारी है चंपई सोरेन पोटका से चुनाव नहीं लड़ेंगे, बाबूलाल सोरेन चुनाव लड़ेंगे। चंपई सोरेन को आदिवासी क्षेत्र में कैंपेन करने में लगाया जाएगा और वो जिस तरीके से कैंपेन करेंगे उसके बाद उसका परिणाम जो आएगा उसके एवज में उनको पुरस्कृत किया जाएगा। पर एक बड़ा सवाल तो उठ रहा है ना कि बीजेपी के अंदर भी आवाज़ उठ रही है कि भाई इनको किस रूप में लाया गया है, जिसका जवाब कुछ नेताओं को देने की कोशिश तो की गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक सवाल तो है कि क्या चंपई के आने से बीजेपी चुनाव जीत लेगी, ये सवाल तो बड़ा सवाल है। दूसरा बड़ा सवाल है कि क्या सिर्फ नेता आ जाते हैं तो इससे क्या कार्यकर्ता भी उनके साथ आ जाते हैं। वैसे चंपई सोरेन दावा कर रहे थे 40-45 हज़ार कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, चंपई सोरेन खरसामा सरायकेला में पॉपुलर हैं, जब वो गए तो बहुत सारे लोग उनको रिसीव करने आए थे, ये भी बात सच है। लेकिन दूसरी बात ये भी सच है कि आज जिस तरीके से रामदास सोरेन को मंत्री बना दिया गया, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बहुत एहतियाती कदम उठाया है। एहतियाती कदम इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन के खिलाफ कुछ नहीं बोला,
उनको सिंपैथी ना मिल जाए इसलिए उन पर डायरेक्ट अटैक नहीं किया, अपने नेताओं को कह दिया उनके खिलाफ कुछ मत बोलिए, ये भी कह दिया कि वो खुद रिजाइन करेंगे, ठीक है, पार्टी से निकाला तक नहीं, जासूसी करवा रहे थे लेकिन पार्टी से निकाला नहीं, खुद चंपई सोरेन ने इस्तीफा दिया। ये सब इसलिए किया ताकि चंपई सोरेन को राजनीति में शहीद का दर्जा ना मिल जाए। इस पूरे मूव को आप कैसे देखते हैं डॉक्टर संजय? देखिए, एक चीज को तो समझना होगा कि चंपई सोरेन का जो राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है, एक ईमानदार और एक जुझारू नेता के तौर पर रही, ये कितने विधायक इनके साथ आए नहीं आए, कल जनता के बीच में इनकी क्या स्वीकारोक्ति होगी, क्या वो आदिवासी समाज के लोग इनके प्रति भी भरोसा जता पाएंगे। लेकिन ये व्यक्ति जब हेमंत सोरेन जी जेल जाते हैं तो इतने भरोसेमंद तो हैं ही ना कि हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन पर भरोसा किया और इनको मुख्यमंत्री का दायित्व दिया। 6 महीने के मुख्यमंत्री काल में इनकी ईमानदारी को लेकर के कोई सवाल नहीं था, तो एक ईमानदार नेता तो है, इससे इस सच्चाई को तो स्वीकार किया जा सकता है। दूसरी बात जो कह रहे हैं कि अर्जुन मुंडा को और बाबूलाल मरांडी को आश्वस्त किया गया कि ना हम इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे ना इनको कोई बड़ा दायित्व देंगे, बीजेपी में भी कांग्रेस वाला कल्चर है आला कमान का, वहां भी शीर्ष नेतृत्व फैसला लेती है। राजस्थान में आपने देखा पहली बार के विधायक को कैसे मुख्यमंत्री बना दिया गया, शिवराज सिंह चौहान को कहां केंद्रीय मंत्रिमंडल में भेजा गया और मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो कल इनके भी आला कमान या शीर्ष नेतृत्व कौन फैसला लेंगे? मुझे नहीं लगता है कि अर्जुन मुंडा और बाबूलाल मरांडी कोई बहुत कुछ इसमें इंटरफेयर कर रहा है। अभी तो चंपई सोरेन आज शामिल हो रहे हैं, ये उस बिरादरी में जा करके, चूंकि उस झारखंड मुक्ति मोर्चा को सबसे बेहतर तरीके से ये समझते हैं, चूंकि उसी पार्टी की उपज है, शिबू सोरेन के बाद दूसरे अनुभवी नेता है, तो अगर उस पार्टी की खूबियों को ये जानते होंगे तो क्या उस पार्टी की कोई खामियों को ये नहीं जानते? और अगर उन खामियों को लेकर के ही उस समाज के बीच में झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले जो पार्टी के लोग हैं उन्हीं के बीच में अगर ये जाते हैं, आदिवासी समाज के बीच ही जाते हैं, ये आपके हितों की अनदेखी कैसे होती है? कैसे एक परिवार ही चाहता है कि हमारी भागीदारी सत्ता में हो और संगठन दोनों जगह हम ही काबिज रहे? ऐसा नहीं है कि चीजें फ्रैक्चर्ड नहीं होती है, फ्रैक्चर्ड होती है, अल्टरनेट खोजा जाता है। अब बिहार में जीताराम मांझी बगावत पर उतरे थे तो रत्नेश सदा को कैसे लाल ले आया गया था कि चलो भाई वो अगर है तो उनका अल्टरनेट हम बना लेंगे। तो चंपई सोरेन की अल्टरनेट खोजने की बात की जा रही है कि रामदास सोरेन को मंत्रिमंडल में जगह देके और कोल्हान की जमीन को फिर हम उर्वर कर लेंगे, सिंचित कर लेंगे, हमारे साथ तीर धनुष के साथ वैसे ही लोग इंटैक्ट रहेंगे। बिल्कुल, पार्टी बड़ी होती है, व्यक्ति छोटा होता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति लंबे अनुभव के साथ पार्टी के संघर्ष से लेकर के और पार्टी को ऊर्जा और पार्टी को खाद पानी देने में साथ होता है तो उसकी भी एक अपनी जमीन होती है, हम उसको सिरे से नहीं नकार सकते हैं। अभी हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री हैं, अब आदिवासी समाज का कौन व्यक्ति है जो अभी चाहेगा कि हम बगावती तेवर अपनाएं ताकि जो लाभ की योजनाएं हैं वो ठहर जाए, कि नहीं ये लोग तो चंपई सोरेन के साथ खड़े हैं चलो इनको हम लाभ ना दें। थोड़ा चुनाव की घोषणा तो होने दीजिए, आचार संहिता तो लगने दीजिए, फिर समझ में बात आएगी चंपई सोरेन की स्वीकारिकता है या नहीं है, वो मजबूत नेता है या कमजोर नेता है, क्या वो कोल्हान की जो 14 सीटें हैं, संथाल की जो 18 सीटें हैं, क्या वहां पर प्रभाव डाल पाएंगे या डाल पाए या नहीं डाल पाएंगे। लेकिन इतनी बात जरूर है उनकी ईमानदारी और उनका जुझारूपन दो ऐसे एडजेक्टिव है उनके साथ जो हम समझते हैं कि आदिवासी समाज को कनेक्ट करता है। इन पर अभी तक कोई बेईमानी का, कोई भ्रष्टाचार का, कोई करप्शन का कोई दाग नहीं लगा। और एक जुझारूपन छात्र जीवन में जब रहे, जब युवा नेता के तौर पर रहे और जब इन्होंने मजदूर यूनियन की लड़ाई लड़ी, संघर्ष की उपज है चंपई सोरेन, तो चंपई सोरेन को देखते हैं
कि कहां उनको ताकत मिलती है नहीं मिलती है, भाजपा को कितना लाभ मिलेगा घाटा होगा, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्या चंपई सोरेन खारिज कर दिए जाएंगे या चंपई सोरेन की भी जमीन है और वो अपनी जमीन को बचा लेंगे। भाजपा तो बात की चीज है कि वो सत्ता में आएगी कि नहीं आएगी, अभी तो चंपई सोरेन पर ही सवाल है कि वो भाजपा में जाकर के भी अपने अस्तित्व को बचा पाएंगे या अर्जुन मुंडा और जो बाबूलाल मरांडी हैं उनकी तरह ये भी खारिज हो जाएंगे। ये तो चुनाव के बाद हम लोग इसकी बेहतर व्याख्या कर सकते हैं। नहीं, वो सारी बातें ठीक है, बेहतर व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन आदिवासी अस्मिता से जोड़ने का प्रयास होगा और आदिवासी अस्मिता से जोड़ने के प्रयास में ये भी बताया जाएगा कि अगर हेमंत सोरेन को वाकई आदिवासियों की चिंता है तो संथाल परगना में डेमोग्राफी क्यों चेंज हो रहा है, मुसलमान लगातार आक्रामक क्यों हो रहे हैं, आदिवासियों की संख्या कम क्यों हो रही है, ये बात लोगों में फैलाने का टास्क इनको दिया गया है। और आदिवासियों की चिंता हेमंत सोरेन नहीं कर रहे हैं, वो अपने परिवार की चिंता कर रहे हैं, अपनी कुर्सी की चिंता कर रहे हैं। और ऐसा कहा गया है चंपई सोरेन से कि आप संथाल परगना में, कोल्हान में, जहां भी आदिवासी बाहुल्य सीटें हैं वहां पर लोगों को बताना है, और साथ ही साथ ये भी बताना है कि 40 सालों तक हमने, मतलब चंपई सोरेन ने, इस पार्टी को अपने खून पसीने से सींचा और उसके बाद कैसे उनको कान पकड़ करके उतार दिया गया। उतारना ही था तो रेस्पेक्ट के साथ उतारते, आदर के साथ उतारते, बदलने से 3 दिन पहले किसी कार्यक्रम में जाने से क्यों रोका गया। और साथ ही साथ चंपई सोरेन के साथ साथ उनके बेटे को भी आगे बढ़ाना है, बीजेपी से चुनाव लड़ाना है, पोटका से अगले उम्मीदवार हो सकते हैं, इसकी जानकारी है हमारे पास। क्या आपको लगता है प्रोफेसर सुधांशु कुमार की बीजेपी की ये रणनीति विधानसभा चुनाव में कारगर होने जा रही है? यही है कि अभी हम लोग पहले भी इसकी चर्चा कर रहे थे, बहुत स्पेसिफिक टास्क देकर उतारा गया है और इसीलिए उनको लाया भी गया। लेकिन मुझे जो लग रहा है, देखिए एक नैरेटिव इसकी हमने चर्चा उसमें शुरू कर दी, क्वांटम नैरेटिव्स तो बनेगा ना, जब तक ये साथ है तब तक ठीक है, कोई इसकी चिंता नहीं कर रही थी। जैसे आप देखिए इमीडिएट इफेक्ट से क्वांटम नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई, ये इधर रिजाइन करते हैं, दूसरे इन्हीं के समाज से उठाकर उसी जगह से उठाकर दूसरे व्यक्ति को मंत्री बना दिया गया। तो जेएमएम अपना काम पे लग गई है, जब अगर वो काम पे लग गई है तो वो भी तो कहेगी कि भाई ये सारे सवाल, जैसे मान लीजिए डेमोग्राफी चेंज हो रहा था तो ये डेमोग्राफी आज के दिन पिछले 2 महीने में तो चेंज नहीं हुआ, डेमोग्राफी तो पहले से चेंज हो रहा होगा अगर हो रहा है तो, जिसको अगर वो आज बिलीव करने लगे चंपई सोरेन, और जब वो खुद चीफ मिनिस्टर थे पिछले 6 महीने रहे, उन्होंने उसमें उस डेमोग्राफी के लिए क्या ऐसा कोई पॉलिसी बना दिया कि वो चेंज ना हो या उसके कोई उन्होंने कोई तरीका निकाला, ये मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ये सारे सवाल पूछेगा उनसे जब ये जाएंगे लेकर। दूसरी चीज क्या है, देखिए जो ये बात आ रही है कि आदिवासी अस्मिता, भाई आदिवासी अस्मिता की बात अगर आएगी तो उसकी सबसे बड़ी पार्टी आज भी झारखंड मुक्ति मोर्चा है, वो बीजेपी उसको या इवन दूसरी पार्टियां जो भी है वहां पर राष्ट्रीय स्तर की और दूसरी पार्टी की, वो भी उस मायने पे तो चोट नहीं पहुंचा पाएगी झारखंड मुक्ति मोर्चा को, क्योंकि आदिवासियों का की लीडरशिप आज भी आदिवासी जनता जो है, आदिवासी वोटर जो है वो अपना लीडरशिप तो कहीं ना कहीं जेएमएम में ढूंढेंगे, क्योंकि हर एक और बिहार उत्तर प्रदेश दोनों में लगभग एक तरह के वोटिंग पैटर्न रहते हैं। अगर उस समीकरण पे जाएंगे तो जो लीडरशिप एस्टेब्लिश है, झारखंड मुक्ति मोर्चा एक एस्टेब्लिश पार्टी है आदिवासी, उसमें से एक व्यक्ति टूट कर निकला है, वो बहुत पुराना व्यक्ति है। देखिए आपको एक चीज बताना चाहेंगे प्रोफेसर सुधांशु कुमार, और मैं चाहूंगा कि इसमें हमारे संवाददाता कुछ बोले, चंपई सोरेन के दिमाग में क्या चल रहा है और वो कह क्या रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है कि जिन वीरों ने जंगल, जल व जमीन की लड़ाई में कभी विदेशी अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार नहीं की, आज उनके वंशजों की जमीनों पर ये घुसपैठिए कब्जा कर रहे हैं। इनकी वजह से फूलो झानो जैसी वीरांगनाओं को अपना आदर्श मानने वाली हमारी माताओं, बहनों व बेटियों की अस्मत खतरे में। आप समझिए ये किस तरह के मुद्दे को अशोक उठाया जा रहा है। अन्य दल वोटों के खातिर इसे इग्नोर कर रहे हैं, ये चंपई सोरेन का मानना है।
और इस बारे में सिर्फ बीजेपी सीरियस दिखाई दे रही है। अशोक, क्या आपको लग रहा है कि आदिवासियों की अस्मिता को लेकर के संथाल परगना में जो पॉपुलेशन चेंज हो रहा है उसको लेकर के, बहु बेटियों की सुरक्षा को लेकर के चंपे सोरेन आक्रामक होने वाले हैं आने वाले दिनों में, और बीजेपी को लग रहा है कि उसको मुद्दा भी मिल गया है और नेता भी मिल गया है जिस पर आदिवासी भरोसा कर सकते हैं? झारखंड की अगर बात करें तो बीजेपी का तो यह चुनावी एजेंडा रहा शुरू से। अगर इस सरकार की बात करें, जैसे ही हेमंत सोरेन सरकार सत्ता में आई और लगातार बता दें कि घुसपैठ जो है वो पिछले 5 सालों में नहीं, घुसपैठ हो रहा था, लेकिन इस 5 साल में घुसपैठ की जो संख्या है वो काफी बढ़ गई। और जिस मात्रा में सरकार को एक्टिव होना था, सरकार को घुसपैठ रोकने के लिए जो कार्रवाई करनी थी, उसमें कहीं ना कहीं सरकार विफल रही है। सरकार के द्वारा ये कहा जा रहा है कि घुसपैठ रोकना केंद्र की जिम्मे है, गृह मंत्री का मामला है, ये कहकर पल्ला झाड़ा जा रहा है। चंपई सोरेन जो पहले जेएमएम में थे, जब वो स्वयं मुख्यमंत्री थे तो वो भी इन बातों से इनकार नहीं करते थे, लेकिन कहते थे कि इसे लेकर के आप केंद्र सरकार से सवाल पूछे, क्योंकि बॉर्डर जो है वो केंद्र के अधीन में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो लगातार बांग्लादेश घुसपैठ या आदिवासियों की जो बदलती वहां पर घटती हुई जनसंख्या, डेमोग्राफी चेंज को मुद्दा बनाया जा रहा था, चाहे विधानसभा की बात हो या लोकसभा की बात हो, तमाम विधायक सांसद इसे लेकर के सवाल उठा रहे हैं। अगर चुनाव के परिदृश्य में कहा जाए तो पिछले दिनों बीजेपी का एक प्रतिनिधि मंडल झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के पास भी गया था, दिल्ली भी गया था, और यह दस्तावेज सौंपा गया जिसमें बताया गया कि जनसंख्या या वोटरों की जो प्रतिशत है वो कहीं कहीं 100% से ज्यादा एक सीट कर गई है, यानी अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। ये बताया गया है कि जिन बूथों पर जो वोटरों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई वो मुस्लिम है, यानी अल्पसंख्यक समुदाय के वोटरों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि होना न सिर्फ केवल पॉपुलेशन बढ़ने से, जनसंख्या से, बल्कि बांग्लादेशी घुसपैठ या दूसरे जो घुसपैठ है उस कारण वो जनसंख्या बढ़ रही है। और राज्य सरकार इसे इसलिए नहीं रोक रही है क्योंकि वो उनका वोट बैंक है, यानी वोट बैंक के इस्तेमाल के रूप में उस जनसंख्या का प्रयोग किया जा रहा है, उन्हें रेगुलराइज कर दिया जा रहा है, बकायदा उनके आधार कार्ड बन जा रहे हैं, राशन कार्ड बन जा रहे हैं, उन्हें वो तमाम सुविधाओं का लाभ मिल रहा है राज्य सरकार जो झारखंड के अन्य जनता को देती है। आदिवासियों को जो उनका उचित लाभ मिलना चाहिए वो कहीं ना कहीं बांग्लादेशी घुसपैठ या जो दूसरा समुदाय है, यानी विशेष समुदाय के द्वारा आदिवासी महिलाओं से शादी किया जा रहा है, उनका इस्तेमाल राजनीतिक रूप से किया जा रहा है, जो सुविधाएं हैं सरकारी सुविधाएं उनका लाभ लेने के लिए किया जा रहा है, और ऐसे समुदाय के जो लोग हैं, जो डेमोग्राफी जो चेंज हो रही है वो आज वोट बैंक में तब्दील हो गई है, और ये वोट बैंक मजबूत हो रहा है कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा का, ऐसा लगातार बीजेपी सवाल उठाते जा रहे हैं। अब चूंकि चंपई सोरेन ने जैसे ही पाला बदला, उनका सुर बदल गया है, उन्होंने ही TV9 से भी बात करते हुए उन्होंने कह दिया था कि बांग्लादेश घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि मैं एक आदिवासी लीडर हूँ, आदिवासी समुदाय से आता हूँ, आदिवासी समुदाय की, आदिवासी समाज की अस्मिता को बचाने के लिए मेरी भी नैतिक जिम्मेवारी है। उन्होंने एक दूसरी बात कही कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कोई भी आज चलिए आपने मतलब एक चीज बहुत साफ हो चुका है मनीष पांडे की इस चुनाव में बांग्लादेशी घुसपैठिए का मुद्दा बड़ा अहम होने जा रहा है, आप लोग इसको बड़ा अहम बनाने जा रहे हैं, मुद्दा अहम होगा और इसको जोर शोर तरीके से अगर कोई उठाएगा तो वो होंगे चंपे सोरेन, और आप कहेंगे कि चंपे सोरेन इसी वजह से हमारे साथ आए क्योंकि इनको लगा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बाद कि इस मुद्दे को लेकर के कोई दल सीरियस है तो वो बीजेपी है, क्योंकि चंपे सोरेन कह भी रहे हैं, अपनी अपने अपमान की भी बात करेंगे, डेमोग्राफी चेंज की भी बात करेंगे, बहन बेटियों के अस्मत की भी बात करेंगे और बीजेपी को जिताने का भरपूर प्रयास करेंगे। मतलब आपके हाथ में हथियार भी लग गया है और हथियार चलाने वाला भी लग गया। धारा की लड़ाई है और आपके संवाददाता अशोक जी यहाँ पर हैं, मुख्यमंत्री रहते हुए भी उन्होंने ये घुसपैठ की समस्या पर आवाज उठाया था, उन्होंने बोला था, उनका स्टेटमेंट भी आया था। तो ऐसा नहीं है, मैं यही कह रहा हूँ कि जो एक विचारधारा है वह विचारधारा ऐसा नहीं है कि भाजपा की बपौती है विचारधारा। राष्ट्रवाद पर बात करने का अधिकार हर देशवासियों को है, चाहे वह किसी भी पार्टी में वास करता हो। तो
तो अगर चंपाई सोरेन इस विषय को अगर उठा रहे थे तब भी जब मुख्यमंत्री थे, हटे तब भी, और अभी हाल में लोकसभा में आपने देखा गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने उस विषय पर बहुत लंबा चौड़ा भाषण दिया था। तो यह चुनाव से यह मुद्दा नहीं है, यह मुद्दा भारतीय जनता पार्टी इसके लिए सालों भर संघर्ष करती है बांग्लादेशी घुसपैठ के ऊपर, आतंकवाद के ऊपर, तो यह हमारा विषय रहा है। हाँ ठीक है, यह अच्छी बात है कि कोल्हान टाइगर आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उनके आने से निश्चित रूप से एक से भले दो, दो से भले तीन भाजपा मजबूत होगी। लेकिन इतना जरूर है कि अगर आज वो आ रहे हैं भाजपा में, पंकज जी मैं फिर एक बार दावे के साथ कहता हूं, तो उसमें भाजपा की कोई साजिश नहीं है। यह जेएमएम का अपना परिवारवाद, अपना आंतरिक कलह है जिसके वजह से आज चंपाई सोरेन जैसे नेता को जेएमएम छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना पड़ा। डॉक्टर संजय, आपको लग रहा आदिवासियों का अस्तित्व खतरे में है, यही सबसे बड़ा मुद्दा होने जा रहा आने वाले चुनाव में? नहीं, चंपाई सोरेन के माध्यम से बीजेपी इसको धार देने की कोशिश करेगी, और कन्वर्जन का मुद्दा तो रहा ही है ना झारखंड में, जो झारखंड के जो मूलवासी हैं उनको तो प्रलोभन दे करके, चाहे वो ईसाई मिशनरियों के द्वारा हो या बांग्लादेशी घुसपैठियों के द्वारा हो, जो शब्द आप इस्तेमाल कर लें, ये कन्वर्जन का मुद्दा तो वहां रहा है और वो मौलिक मुद्दे रहे हैं वहां के। तो इसको लेकर के अगर ये सोरेन साहब जाते हैं आदिवासियों के बीच में और बताते हैं कि ये जमीन आपकी है, आज तो एक बयान मैंने उनका देखा कि उन्होंने कहा कि आप मूलवासी हैं और आप अपनी मौलिकता छोड़ते जा रहे हैं, आप अपनी जमीन छोड़ते जा रहे हैं, आप अपना जंगल छोड़ते जा रहे हैं। तो शायद ऐसा तो नहीं है कि वो समाज इतना भी इलिटरेट है आजादी के 76 वर्षों के बाद कि वो इस बात को समझ ही नहीं पाएगी। तो चंपई सोरेन उसको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, सफलता असफलता तो कब मिलेगी नहीं मिलेगी अलग बात है, लेकिन हाँ मुद्दा जरूर मिल गया है कि ये मुद्दे को ये उठाएंगे, डेमोग्राफी को लेकर के ये सवाल करेंगे कि ये देख लीजिए आपकी संख्या कितनी थी, आपकी लड़ाइयां जब अंग्रेजों के खिलाफ रही तो आप अपने अस्तित्व को और अपनी मौलिकता को क्यों डाइल्यूट होने दे रहे हैं, क्यों आप दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। ये सवाल को चंपई सोरेन मजबूती से उठाएंगे और शायद ये उनको कनेक्ट करने में मदद भी देगी। अब कितना सफल होंगे संथाल में और कितना सफल होंगे ककोला में। चलिए, पर चंपई सोरेन यही नहीं रुक रहे हैं, बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं। प्रोफेसर सुधांशु कुमार कह रहे हैं 5 साल से राष्ट्रीय अधिवेशन नहीं बुलाया गया, सीबू सोरेन की तबीयत खराब है, वे बोल नहीं सकते, कोई भी उनकी चिंता साझा नहीं कर सकता। सवाल यह है कि सीबू सोरेन बोल नहीं सकते, 5 साल से राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया नहीं गया है, कोई पार्टी में आवाज नहीं उठा सकता और जो आवाज उठाता है उसकी उसको सुनने वाला कोई नहीं है, और इसलिए वो परेशान होकर के पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं, किसी चुनौती से नहीं डरते हैं और वो देख रहे हैं कि उनके लिए भारी समर्थन दिख रहा है, मतलब वो कॉन्फिडेंट है। तो पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, एक आरोप। दूसरा आरोप, उनकी बेइज्जती हुई है। तीसरा, आदिवासियों का अस्तित्व खतरे में है। चौथा आरोप, संथाल परगना में डेमोग्राफी जानबूझ करके चेंज कर किया जा रहा है वोट बैंक के लिए और आदिवासियों का अस्तित्व खतरे में है। ये सभी मुद्दे आने वाले चुनाव में प्रमुखता से हमें दिखाई और सुनाई पड़ने जा रहे हैं। अलग हो रहे हैं तो उनके पास ये सारे तर्क तो होंगे। आपने एक पार्टी को छोड़ा है जिसके साथ आप 40 साल से जुड़े हुए, तो 40 साल के साथ से जुड़े हुए जिस पार्टी के साथ थे तो आप उससे अलग होंगे, तो आपके पास एक बहुत महत्वपूर्ण तर्क होने चाहिए जिसकी वो, और हर कोई करता है, जो भी, चाहे मान लिया अजीत पवार अलग हो रहे थे या सिद्धे अलग हो रहे थे, जो भी अलग होते हैं, ज्योतिराज सिंधिया भी अलग हो रहे थे, जो लोगों ने वीडियो चलाया था कि मैं राहुल गांधी के साथ एक ही प्लेट में चम्मच से खा रहे हैं, उनको भी आपत्ति थी कि भाई राहुल गांधी मिलने का समय नहीं है। तो ये तो अभी लगेगा, सवाल वो नहीं है, ये एक तरफ की बात। हम जो दूसरी तरफ की बात आपके सामने कहते हैं, ये जो टारगेट है कि भाई संथाल परगना वाला, वो तो तभी से जब हेमंत बिश्व शर्मा आप वहां एक्टिव कर रहे हैं उस राज्य में, तो उसके पीछे वो तो हेमंत बिश्व शर्मा भी इस बात के लिए खुले रूप में बोलते हैं, मुझे लगता है कि एक अकेला नेता है आज के दिन
जो नाम लेकर कि फलाने राज्य नहीं बनने देंगे, मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, आपने देखा होगा उनका असेंबली में बयान है, तो उस तरह के व्यक्ति को झारखंड में बीजेपी ऑलरेडी एक्टिव करके रखी हुई है, तो वो तो एक आइडिया वहां पर वो दे ही रहे हैं, जो असम में चल रहा है वो परेशानी असम की भी है, वो झारखंड को चिंता बना रहे हैं, तो वो तब लेकर आएंगे। दूसरी बात जो आप कह रहे थे अपमान वाली, अब मेरा ये है कि भाई इन सबों का एक काउंटर नैरेटिव क्या करेगी, झारखंड मुक्ति मोर्चा भी तैयार करेगी, तो सबसे पहली चीज ये है जब ये कहेंगे कि मेरा अपमान हुआ, तो उनका उत्तर है कि भाई साहब का अपमान कैसे हुआ, आपको सबसे ज्यादा आप पर विश्वास, बिल्कुल ठीक है, नैरेटिव काउंटर नैरेटिव देखने को मिलेगा, लेकिन हमने आप लोगों से साझा किया कि बीजेपी ने चंपे सोरेन के साथ क्या सीक्रेट डील किया है, उनको क्या टास्क सौंपा है। चंपे सोरेन कोल्हान में ही नहीं बल्कि संथाल परगना में ज़्यादा एक्टिव दिखाई पड़ेंगे, और पोटका से चंपे सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। आदिवासियों में जितनी सेंधमारी कर सकेंगे चंपे सोरेन, बीजेपी को उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। बीजेपी को भरोसा है कि 10 से 14 सीटें भी चंपे सोरेन की वजह से प्रभावित होता है तो बीजेपी को फिर झारखंड में सरकार बनाने से कोई रोक नहीं सकता, और उसके बाद चंपे सोरेन को पुरस्कृत किया जा सकता है। बहरहाल बिहार की बात में मनीष कुमार पांडे जी, प्रोफेसर सुधांशु कुमार, अशोक और डॉक्टर संजय कुमार, आप सभी का शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही, ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।